नमस्कार दोस्तों, आज वीडियो में आपको बता दूंगा ऐसा बेस्ट कैप्चा टाइपिंग जॉब के बारे में जहाँ पे आप घर बैठे बैठे कुछ कैप्चा को टाइप करके पर मंथ अच्छा सा ऐसा कमा सकते हो। इसके लिए आपका कोई भी हायर एजुकेशन नहीं चाहिए, ना आपका कोई रजिस्ट्रेशन फीस देना है। बिल्कुल फ्री में आप घर बैठे बैठे इस काम को कर सकते हो आपका मोबाइल या लैपटॉप में। सो जानने के लिए वीडियो को कम्प्लीट देखना है दोस्तों। सो दोस्तों, जो प्लेटफॉर्म बता दूंगा वो एक वेबसाइट है, वो भी बहुत ही जेन्युइन एक वेबसाइट है। जैसे कि मार्केट में बहुत सारा ऐसा वेबसाइट को मिल भी जाएगा बट सब जेन्युइन नहीं होगा। तो दोस्तों, जो प्लेटफॉर्म आपको बता दूंगा यहाँ पे जेन्युइन आपका पक्का आपका पेमेंट मिल जाएगा, वो भी इंस्टेंट विद इन सेकेंड आपका वो पेमेंट आपका अकाउंट में आ जाएगा। तो कैसे वो प्लेटफॉर्म में क्या पे ज्वाइन करना है, कैसे यहाँ पे पैसा कमाना है और कैसे यहाँ पे पैसा निकालना है, सब कुछ आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सिखा दूंगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स सी, सीख लेते आज का वीडियो किस तरह से घर बैठे बैठे कैप्चा टाइपिंग जॉब करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। मैं हूं जॉय, आप देखते रहो स्मार्ट वर्क। सो फ्रेंड, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो एंड तक देखते रहे, आई होप वीडियो आपका पसंद आएगा। और पसंद आया तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए, साथ में आपका दोस्तों को शेयर कर दीजिए। एंड चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में जो घंटी आएगा इसको क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारा हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। उसके बाद दोस्तों, आपका इस वीडियो का टाइटल में क्लिक करना है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको बहुत अर्निंग ऐप का लिंक मिल जाएगा जहाँ से आपको इंस्टॉल करके आप अच्छा अच्छा पैसा कमा सकते हो। वो थोड़ा नीचे आ सकते हो, उसके बाद यहाँ पे आपका जो राय है इस वीडियो का उसको कमेंट करना ना भूले। सो फ्रेंड, जो वेबसाइट है जिसका नाम है clotobablo.com, जी हाँ दोस्तों, ये साइट को आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। तो इस साइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, आपको थोड़ा सा नीचे जा और ये जो लेखा है नीचे देख सकते हो स्टार्ट वर्किंग, तो स्टार्ट वर्किंग आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस आएगा। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन आइकॉन, ये आपका लॉगिन आइकॉन, ये आपका अकाउंट मतलब पासवर्ड का आइकॉन है, ठीक है। तो सबसे पहले कोई रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे लॉग इन एक यूजर आईडी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। एक ऐसा यूजर आईडी देना पड़ेगा जो यूनिक हो सके, जैसे मैं यहाँ पे मेरा जो चैनल का नाम स्मार्ट वर्क दे रहा हो, ठीक है। और सेकेंड जो है ईमेल, तो मेरा जो ईमेल है मैं दे दिया था। उसके बाद करना है रजिस्टर, तो रजिस्टर जब करोगी तो आपका आईडी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर मान के चलो यहाँ पे आपका यूजर नेम आपका जो नाम है वो नाम दे दिया था, उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन करोगी तो वहाँ पे बोलेगा आपका नाम से ऑलरेडी एक यूजर आईडी है, तो वो नाम के साथ और भी आपका डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी ऐड कर दिया जाए वो यूनिक हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका एक ईमेल में एक आपका कोड भेज दिया जाएगा कंपनी की तरफ से, ठीक है। इसलिए आपको ईमेल को ओपन करना है, वहाँ से जो कोड आएगा उसको कर लेना है आपको कॉपी। कॉपी करने के बाद आपको जाना है लॉग इन सेक्शन में। अगर आप लॉग इन करोगे तो यहाँ पे लॉग इन आपका यूजर आईडी देना है, जैसे मेरा जो लॉग इन यूजर है स्मार्ट वर्क, ठीक है। तो मैं दे दिया था एंड पासवर्ड, तो ये जो पासवर्ड आपका ईमेल में कंपनी द्वारा भेज दिया जाएगा। ईमेल को ओपन करके आप उसको कॉपी कर लीजिए एंड यहाँ से पेस्ट करके आप लॉगिन कर सकते हो। बाद में आप आपका पासवर्ड को चेंज कर सकते हो। तो ऑलरेडी मेरा ये सब काम हो गया था, मैं खुद ही एक पासवर्ड एडिट करके रखा था, तो उस पासवर्ड डालकर मैं साइन इन कर लूँगा, ठीक है। तो देख सकते हो मैं पासवर्ड दिया, जब साइन इन किया था तो ये यहाँ पे पूछा था आपको मेरा पासवर्ड सेव करोगे या नहीं, तो सेव कर देता हूँ। उसके बाद एक कैप्चा आएगा, इसको आपको वैलिडेशन करना है। तो यहाँ पे जो कैप्चा यह आता है H2VY, ठीक है, तो मैं डाल देता हूँ Y HTVY, ठीक है। तो इसको मैं वैलिडेशन कर देता हूँ, देख सकते हो सिस्टम ओपन हो चुका है। तो आपके सामने भी इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, तो आप इस क्रोम ब्राउजर को आप डेस्कटॉप मोड कर सकते हो, तो आपको काम करने में आसान हो जाएगा। बट मैं डेस्कटॉप मोड नहीं करूँगा क्योंकि वो छोटा हो जाएगा, आपको देख नहीं पाओगे। सो लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहला काम आपको अकाउंट को सेट करना, तो मेनू में ऑप्शन में जाना है। मेनू में जाने के बाद आपको यहाँ पे जो ऑप्शन भी है सेटिंग,
ठीक है। सेटिंग, सेटिंग में जाना है, उसके बाद जाना है अकाउंट सेटिंग। तो अकाउंट सेटिंग में जाने के बाद आप चेंज पासवर्ड में क्लिक करके आपका पासवर्ड को चेंज कर सकते हो। चेंज पासवर्ड में जब क्लिक करोगे तो पहला को ओल्ड पासवर्ड मतलब जो ईमेल में आता है उस पासवर्ड डालना है, उसके बाद नया पासवर्ड देकर सबमिट करोगे तो फिर से आपका मेल में एक कन्फर्मेशन कोड जाएगा, उसको पेस्ट करके आप ईमेल को आप पासवर्ड को चेंज कर लीजिए। उसके बाद आएगा पिन कोड सेटअप, जो आपका 4 डिजिट का पिन कोड सेटअप करना हो, जो मैं ऑलरेडी कर लिया था, जैसे आपका UPI में जैसा पिन होता है, ठीक है, ऐसे पिन 4 डिजिट देना है, तो हो गया था। उसके बाद फिर से मैं मेनू ऑप्शन में गया था, उसके बाद प्रोफाइल ऑप्शन है, प्रोफाइल भी आप अपडेट कर सकते हो, तो मैं होम पेज में आ गया था। तो यहाँ पे देखो वर्क वाया वेबसाइट, वर्क वाया एप्लीकेशन, आप यहाँ पे टैप करके तो इसका एक एप्लीकेशन है वो भी डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं आपको वर्क वाया वेबसाइट में क्लिक कर दूंगा। क्लिक करते आपके सामने 1:1 का जो कैप्चा आ जाएगा, जस्ट आपको वहाँ पे सही कैप्चा को पुट करके आपको सबमिट कर देना है। तो देख सकते हो ये जो कैप्चा आया था 8252238 ये मैं दिया था एंड सबमिट कर दिया था, तो ये मेरा सबमिट हो चुका है। तो इसी प्रकार में आपका एक एक कैप्चा आएगा, फिर से नेक्स्ट कैप्चा आ गया था तो मैं नहीं करूँगा, ठीक है, वो आप कर लेना बाद में। तो इस प्रकार में आपको कैप्चा को फिल करना है। ओके दोस्तों, तो मैं इसको बैक कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है आपको वर्क भाया वे में जाना है, वहाँ पे आपको कैप्चा को आप फिल करना है। तो यहाँ पे आप चाहो तो आप रिफल कर सकते हो दोस्तों को, बट मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे जो आपका अर्निंग हुआ उस अर्निंग का विड्रॉल कैसे करोगे। तो इसलिए आपको मेनू ऑप्शन में जाना है, ठीक है। मेनू ऑप्शन जाने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन भी है फिनेंस, ठीक है, तो फिनेंस में टैप करना है। फिनेंस में टैप करने के बाद आपको मिल जाएगा जो पहला ऑप्शन विड्रॉल, तो विड्रॉल में टैप करना है। विड्रॉल टैप करने के बाद आपके सामने बहुत सारा विड्रॉल का मेथड आ जाएगा। मिनिमम विड्रॉल यहाँ पे $1, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका बैलेंस होगा, ठीक है। तो मेरा अभी तक कोई बैलेंस नहीं आया, ठीक है, मैं अभी काम शुरू किया था यहाँ पे, तो बैलेंस तो नहीं आ रहा। जब यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा मिनिमम $1, तो आप यहाँ पे विड्रॉल लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे बहुत सारा विड्रॉल का ऑप्शन भी है, $1 जाओगी तो आप यहाँ पे विड्रॉल कर सकते हो। बट यहाँ पे जब विड्रॉल करोगी तो आप आपका पिन पूछेगा, जो पिन 4 डिजिट का पिन आप सेटअप करोगे वही पिन पूछेगा फॉरेस्ट सिक्योरिटी। तो पिन एंड पासवर्ड को याद रखना, और कोई भी आप इश्यू है तो कंपनी को मेल भी कर सकते हो, उसका भी हेल्प लेना हो यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही ट्रस्टेड एक वेबसाइट है, यहाँ पे हमारा बहुत सारा दोस्त यहाँ पे अच्छा खासा काम करते हैं, डेली $3-5 तो आसानी कमा सकते, ठीक है, ओनली कैप्चा को फिल करने। बट यहाँ पे आपका एक अलर्ट रहना चाहिए, अगर आप कंटिन्यू 5 टाइम्स कैप्चा को भूल टाइप करोगे तो हो सकता है आपका आईडी बैन कर देंगे कंपनी में। तो बी केयरफुल आप कैप्चा को सही सही से आप सबमिट करें। सो फ्रेंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।